अपन संस्कृति अपन पहचान बोल पहाड़ी छू मी भावना चुफाल मेरा नाम। तो हेलो हाय नमस्कार प्रणाम पहलाग जय देव। के हाल चाल हैरान सब ठीक ठाक होला। अपना इंट्रोडक्शन तो दे। मैं क्या इंट्रोडक्शन? अब तू भी ऐसे ही बोल। कैसे बोल? अपन संस्कृति अपन पहचान। अपन संस्कृति अपन पहचान बोल पहाड़ी छू मी चांदनी चुफाल मेरा नाम। बल पहाड़ी छू मी चांदनी चुफाल मेरा नाम। चांदनी चुफाल मेरा नाम। हेलो हाय नमस्कार प्रणाम पहलाग जय देव। हेलो हाय नमस्कार प्रणाम पहलाग जय देव। क्या हाल चाल हैरान? की हाल चाल हैरान? सब ठीक ठाक वाला? सब ठीक ठाक वाला। हाँ तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ओके गाइस, ओके तो आज सब लोग जो है ओके दगड़ियो और सब आज सब लोग जो है मंदिर गए हैं। आ तू बोल पहले इधर आ बोलू। तो सब लोग मंदिर गए, हम लोग घर पे ही है, यूवी मैं और चंदी। तो अब आज का डे हम क्या करेंगे? व्लॉग एडिट करने हैं मेरे को थोड़े बहुत। हाँ। क्योंकि कल पंकज फिर से पिथौरा गढ़ जा रहा है तो अपलोड हो जाएंगे। तो फिर इसलिए आज हमारा टाइम काटना मुश्किल ही हो रहा है। हाँ मुश्किल नहीं नामुमकिन हो रहा है। तो क्या करें दगड़ियों, तो क्या करें हमारा बतौर देखो आप सब चमका दिया है कि देखो हमारा बतौर चिड़िया। हमारा पाली वाला पूरा ऊपर वाला ये पूरा हिलता है ऐसे। तो ये जो घर है जो ठीक करेंगे अब ऊपर से ये लकड़ियां सब हटा देंगे। पाथर वाला मतलब हट जाएगा, पहाड़ी वाला टाइप छत वाला बनाएंगे क्योंकि ये जो है टूट रहे हैं, मतलब कभी भी गिर सकता है हमारे ऊपर। हमारे क्या, हम तो नीचे सोते। नीचे ही तो गिरेगा, ये पाल छिरेगी तो। हाय दगड़ियों कर दे, नहीं करती है क्या? हो गया? तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर। बाय दगड़िया, हमें नहीं आती है। तो अभी मैं भाभी को कुछ सामान देने आई थी ऊपर तक। भाभी जो है मंदिर में मंदिर जा रही थी तो सामान भूल गई थी कुछ, तो अभी मैं दे के आई भाभी को। अब मैं घर को जा रही हूँ। चांदनी और यूवी जो है घर में ही हैं, सभी लोग आज मंदिर गए हैं, हम लोग घर पे ही हैं आज। और कल भी पूजा, अब नॉन स्टॉप पूजा ही है हमारे, तो पहाड़ियों का यही हुआ पूजा, पूजा पाठ मंदिर देवी देवता। तो आज क्या करते हैं, आज हम बताएंगे कि काफ़ी लोग क्वेश्चंस करते हैं कि यूवी के दादा दादी कहें, आपके मम्मी पापा कहें, क्योंकि हम सब एक फैमिली में ही रहते हैं। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि मतलब कंफ्यूजन में ना आप लोग के, चांदनी के, चांदनी आपकी क्या लगती है, या फिर आपके मम्मी पापा कहाँ रहते हैं, आप गांव में अकेले रहते हो, और यूवी का के दादा दादी कहें हैं। तो आप इन मैंने कमेंट्स पढ़े थे थोड़े बहुत, तो उसमें ये सब क्वेश्चंस थे। तो आज इन क्वेश्चंस के जो है मैं आपको आंसर दूंगी। आज मैं अपने फैमिली के बारे में आपको बताऊंगी। तो अभी हम खा रहे हैं माल्टा, ये देखो कैसा हो रहा है यूवी। अच्छा दांत कहाँ गया? टूट गया? कैसे टूटा? खा ले। माल्टा खा रहे हो? मैं भी खा रही हूँ, थोड़ा ठीक होती हूँ फिर खाने लग जाती। मैंने बोला यूवी को कि तू क्यों आ रही है हमारे साथ, हम व्लॉग बनाएंगे, देखो गुस्सा हो रखी है। आ जा यूवी, आ जा। भाई इसको गुस्सा भी आता है, इसको समझ आ गई। बताओ दगड़ियों कैसे हो? दगड़ियों क्या पूछ रहे थे आप, फिर पूछो पूछो सवाल पूछो, हम उत्तर देंगे। कोई दिख ही नहीं रहा है पर। तो दगड़ियों काफी लोगों के कमेंट्स आए थे अपने फैमिली के बारे में बताओ करके। तो बताते हैं कहाँ से बताएं, पापा लोगों से ना। तो ये हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, और मतलब मैं बता दूं जब मैं पैदा नहीं हुई थी, मतलब मैं जब बहुत छोटी, मतलब मैं पैदा ही नहीं हुई थी, मतलब शादी नहीं हुई थी मम्मी लोगों की। तो मतलब पापा लोग जो है वो तीन भाई थे, तीन भाई हैं मतलब। हाँ। पापा सबसे छोटे हैं, ताऊ थे सबसे बड़े, फिर एक ताऊ और है जो बगड़ रहते हैं, बगड़ में जो घर है एक, जो जिस घर का मैं ब्लॉग बनाती हूँ वो, और फिर पापा हैं। तो पहले हम जब छोटे छोटे थे हम सबसे ऊपर वाले घर में रहते थे, आपने वहाँ का ब्लॉग देखा होगा, मेरा पुराना घर करके मैंने एक ब्लॉग बनाया है। तब ये पैदा नहीं हुई थी, मैं वहीं पैदा हुई थी, मैंने वहीं स्कूल पढ़ा था आंगनवाड़ी, तो वो अकेले में ही घर था एक।
तो दगड़ियो हाँ हम इधर बैठो, ये नेक्स्ट से नेक्स्ट से नेक्स्ट पीढ़ी है, ये देखो ऐसी है ये पीढ़ी, हाँ थोड़ा सा पीछे बैठते हैं, जिद्दी पीढ़ी है ये। तो दगड़ियो तो उसके बाद पापा लोग जो सबसे बड़े ताऊ थे वो इसके बुबू है, हम दोनों के बुबू है। तो जो सबसे बड़े ताऊ हैं उनकी फ़ोटो ये ली, मैं सबकी फ़ोटोज़ भी दिखाऊंगी आपको। तो उनके जो है पांच बच्चे थे, दो बेटे और तीन बेटियां। तो दो बेटे में से एक के पापा इसके पापा और एक इसके पापा हो गए, तीन बेटियों की शादी हो गई। उसके बाद जो एक और ताऊ है जो उनसे छोटे ताऊ, वो बगड़ रहते हैं माई कृष्ण हाय दगड़ी कर रही हूँ ना रुकना फिर। तो जो बगड़ रहते हैं, बगड़ में जो घर है वो उनके दो बेटे हैं और दो बेटियां, दो बेटियों की शादी होगी, दो बेटे हैं। फिर इसके बाद पापा हैं, पापा के जो है तीन बच्चे हैं, मैं पंकज और मेरी दीदी की शादी होगी ललिता दी, जो कन्नू वाला व्लॉग देखा होगा उसका बेटा है वो, उसकी शादी होगी है बनकोट में। तो अब और क्या जानना था तो यूवी के दादा दादी जो हैं और इसके दादा दादी जो हैं वो सेम है, और जो इन दोनों के दादा दादी है वो मेरे ताऊ ताई हैं, और जो वो नहीं है मतलब अब ताऊ ताई नहीं है, तो हम लोग ही रहते हैं अब घर में। तो कहने का मतलब ये है दगड़ियों की, मतलब हम पहले से साथ रहे तो आजकल भी, मतलब आजकल भी क्या, हम मतलब हम हमेशा ही ऐसे साथ में रहेंगे, मतलब हाँ ऐसे साथ रहते हैं हम बचपन से, हम जॉइंट फैमिली टाइप रहते हैं, एक साथ ही रहते हैं, तो सारे लोग साथ ही रहते हैं आजकल भी, हाँ हम साथ ही रहते हैं ऐसे रहते हैं हम लोग, मतलब जब भी मतलब बुआ हुआ सब लोग आते हैं तो मतलब यहीं रहते हैं हम लोग, हम सब एक ही घर में रहते हैं, मतलब जब भी कभी आते हैं, एक महीना दो महीना हो जाता है हमें, हमें पता ही नहीं चलता कितने महीने हो गए हमें साथ में रहते रहते करके, तो हम साथ में रहते हैं। और जो जो बुबू है मतलब जिसके ताऊ है वो बीच वाले, वो क्या बोलते हैं मतलब वो पहले पकड़ रहते हैं, वो पहले से ही वहीं रहते हैं तो उनका घर वहीं है, और हम लोग यहाँ वहाँ थला धुर से आके यहाँ बसे तो फिर हम सबसे यहीं रहते हैं। हाँ पहले हमारा घर बड़ा था, उस साइड को भी था पूरा, तो आम के पेड़ की ए तेरा गाइस ये थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया है हमारी नई पीढ़ी तो जो आम के पेड़ गिर गया था बारिश में तो वो घर टूट गया था हमारा पूरा, ही बहुत बड़ा था पीछे तक था। तो अब जो है ये घर जो है वो 1947 में बना है ये घर ये हमारे खर में मार रही है, यहाँ पे लिखा होगा 1947 में बना है ये घर, और तब से ये ऐसे ही है, ऊपर में जितने भी पाल वगैरह लगे हुए हैं। तो अब जो है ये बारिश के टाइम में चूते हैं, मतलब पानी गिरता है इनसे, तो अब इसको जो है पाथर को हटा के इसमें लैंटर वगैरह डालेंगे फिर इनको बनाएंगे। तो दगड़ियो मैं चांदनी की बुआ हुई और इसके भी बुआ हुई, लेकिन बुआ मैं बोलती नहीं। हाँ तो दीदी एक ही मतलब ऐसे हुए और बस हम दोनों बहने हैं, दोनों बहने हैं, ये हमारी बुआ है दगड़ियो, ये मैं हूँ, ये मेरी बुआ है, बुआ बोलना बोलना बुआ यह कहना चाहते हैं दगड़ियो ये पागल क्या कह रही होगी, ये पागल ऐसा क्यों कह रही होगी, मैं जो डायलॉग मार रही हूँ अपना जो ऐसा कह रही है। मनीष इसका भाई है और पंकज मेरा सगा भाई है, मनीष इसका सगा भाई है, और भाभी मीना भाभी जो जिन भाभी और भाई के साथ मैं घर में रहती हूँ वो इसके पापा मम्मी हैं, और मेरी मम्मी और इसकी मम्मी देवरानी जेठानी है। हाँ और मेरी मम्मी देवरानी जेठानी की सास हुई, कक्की सास, पर वो सास की तरह रहते नहीं है दगड़ी। हाँ, वो हमसे भी खतरनाक बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, जो BFF बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर वाले टाइम वैसा, इतने खतरनाक तरीके से रहते हैं वो लोग, जैसे हम दोनों का है ना, हमसे भी खतरनाक है उनका वही। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट्स में, कमेंट्स अब मैं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि इसका नेट जो है ढंग से चल रहा है तो इसलिए ठीक ठाक चल रहा है। एक दिन Q&A वाला बनाएंगे, एक दिन मैं क्वेश्चन एंड आंसर वाला बनाऊंगी, इंस्टाग्राम में पूछूंगी जो स्टोरी में लगाते हैं उसमें पूछ सकते हैं, फिर उसका वीडियो जो है मैं यूट्यूब में दूंगी बना के। दगड़ियों पता है ऐसे क्यों नहीं करने देती, हम इसको ऐसे सर में मसाज करते हैं ना फिर इसको नींद आने लग जाती है, तो करने नहीं देती भाग गई वो, उसको सोना नहीं है। तो अभी हम दोनों घर में अकेले हैं तीनों, तो अब क्या करें क्या करें क्या करें हो रही है, अब हम खाने को क्या खाएं सोच रहे हैं, है ना, दुकान की तरफ जाते हैं थोड़ा कुछ लेके आते हैं, चीजी दुकान खुली होगी तब। दगड़ियो मंदिर से जो है खाना आया हमारे लिए, और इसने अपने लिए देखो कितना डाल रही है, और मेरे लिए देखो ये दाल ये भात इतना डाला है इसने हद होती है गाइस ये देखो फिर बोलते हैं बेइज्जती क्यों करती है तो इसकी
जब बोल दे डरती हूँ दाल तो खाना, मैं डरती नहीं हूँ अम्मा से मम्मी से। बंदर आया अभी भी कहाँ है? पत्थर फेंक दिया वो। भगा दे बंदर को, भगा दे। ओ कर दे मुझसे भी करना। लगड़िया मेरी मम्मी है आ गई, लगड़िया मेरी अम्मा आ गई है, अम्मा अम्मा सोया खा रही है। अम्मा लगड़िया, हेलो लगड़िया, मुंह ही नहीं लगा देती है इसकी अम्मा इसको। अम्मा मुख नहीं लगाती इसकी अम्मा, गाइस लगाती है, नहीं लगाती। अभी अम्मा अम्मा भी स्टाइल मार रही है दगड़ियो अभी। हेलो अम्मा, हाय दगड़ियो, देख ली मेरी नातनी है चांदनी। और मेरे को पता दगड़ियो, देखो हाय दगड़ियो, एक और आ रही है। हेलो दगड़िया, एक और दगड़िया मेरी चाची आ गई, देखो ये देखो। हाय दगड़ियो, हाय दगड़ियो, एक और मिसिंग है। नहीं खा रही ना, मिर्ची लग रही है उसमें बहुत, मिर्ची है। तो दगड़ियो ये बोल रही है इसको थकान लग गई है, थकान तो मुझे भी लग गया। अब मेरी बुआ मेरे को पिट्ठी लगा के ले जाएगी। देख रही हो कैसे मता रही है ये मेरे को, ताकि मैं इसको पुच्छी लगा के ले जाऊं। ले जाती है ये, अच्छी है ना? नहीं मैं अच्छी नहीं हूँ, अच्छी है। आजा फिर व्लॉग में बनाती हूँ, नहीं तो आजा कोई नहीं। दगड़िया गिराना मत, दगड़िया देखो। हेलो, हम विक्रम बेताल लग रहे होंगे ना, पैर सही से रख। दगड़ियो ऐसी कैमरा कितना हिल रहा है मेरा, मुझ रही हो नहीं, मुझ रही, पैर ऊपर करना, मुझ रही हूँ कर लिया इसे, मुझ रहा है मुझ गया, मुझ गया मुझ गया मुझ गया मुझ गया मुझ गया। लगड़ी इसको बुच्छी लगना भी नहीं आते। अरे मेरा चप्पल फिसल रहा है ना, ऐसा चप्पल फिसल गया है। चलो यदि लोग हमें देखेंगे तो कहेंगे, लोग बोलेंगे उसे का ले दो कमजोर है, वो उसके ऊपर डट्टी जैसी चढ़ी है, नहीं चढ़ती हूँ। हाँ अच्छे बच्चे नहीं चढ़ते हैं, हाँ बुच्छी नहीं लगते हैं, हाँ लोग सोचते होंगे क्या फोन लेके करे लगे रहते हैं ऐसी बातों में। अब उनको क्या पता कितनी मेहनत है। दगड़ियो भानु के टूके कर दो फटाफट से, टूके अच्छा 2 लाख, 2 लाख मतलब 200 के होने वाले हैं। हाँ दगड़ियो यद तब तक तो हो जाएगी, जब तक ये ब्लॉग डलेगा मे भी, अगर हो जाएंगे ना मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी फिर। कौन सी चीज़ बताएगी? राज की बात बताऊंगी, क्या बताओ तुझे? गाइस मेरे को सब पता है, गाइस मेरी कोई राज की बात नहीं है, है नहीं है, नहीं है। कौन सी है? मेरे को सब पता है। आधे लोग समझ जाएंगे। समझ रहे हो, समझ रहे हो, हाँ तुम ही समझ रहे हो गाइस। हाँ हाँ तुम कुछ भी नहीं है गाइस, देखो ये देखो कैसे गिरी है यार। भानु उठना, भानु मैंने थोड़ी गिरा, अबे यार मुझे क्या बता दे, सच्ची में गिर जाएगी ये। उठना यार, उठ दगड़िया गलती से गिरी आ रही, मेरे कहने में हंसते हंसते मार रही से बदरम बदरम फिसल गई है। उठना यार प्लीज, कोई बात ही थोड़ी लगती है, नहीं दिखा रही हूँ, नहीं दिखा रही हूँ, दिखा रही हूँ। मैंने इसको यहाँ से यहाँ गिरा रखा है, ज्यादा थोड़ी गिरी है, थोड़ा ही गिरी है, गुजे है वो। कोई बात नहीं, बात नहीं, भानू मैं आ रही हूँ बोलती मैं। दो लोग गए हाथ पैर, भानू गड़िया मेरे पैर फिसल रहे, ले यार फोन पकड़, भानू भानू डिपो पर पहुंची हूँ मैं, भानु भानु मजाक नहीं कर।
हाथ में लग गए मेरे बहुत ज्यादा। गाइस हम बहुत बुरी तरह गिरे, सच में गिरे, मजाक नहीं कर रहे। आप होते हाथ नहीं उठ रहा मेरा यार, मम्मी देखेंगे वीडियो, फुटेज पड़ गया। मैं घर जाके माइक कहाँ गया अभी, यहाँ पे टकराए ना तो सर में, मेरे हाथ में लगी है मैं चप्पल देखना मेरी चप्पल देखो मेरी चप्पल देखो कैसे हो रखी है और मारेगी मेरे को धक्का वहां से। सच्ची में लगी है गाइस, मेरा फोन जो कैसे पता है, यहां से पूरे फिसलने के निशाने देख, नीचे तक वहां जाके गिरे। मेरे फोन जो कैसे पता है, मेरा तो माइक का वो पूरा फॉर्म निकल गया था। तो दगड़िया हम सच्ची में गिर गए थे नीचे, इसके सर में लग गई है, नस बस ना दब गई हो इसके सर की, बस यहाँ पे लग गया, यहाँ पे लग गया पूरा यार, ऊपर से घास में गिरे ना, घास में गिरते पूरा खुजली खुजली लग रही है, खुजली वाली सर में लग गई है यार, इतने जोर से बहुत ज्यादा खुजली लग रही है, भयंकर वाली, कपड़ों की हालत ऐसी हो गई ना। यहाँ से मैं इसको पकड़ने के लिए आई, जैसे ही पकड़ा ये भी फिसल गई ऊपर से, मेरे को भी ले गई, लेके डूब गई नीचे, मैं भी फिसलते हुए आई। अरे मेरे को बोलेगी मालिश कर दे घर में जाके, मेरे यहाँ कंधे में शोल्डर में भी लग गई है, हाथ पैर तो ठीक। तो दगड़ियो अब हम जाते हैं घर की तरफ, आज भी हमें अंधेरा हो गया, आज भी अंधेरा हो गया, चला दिया हमने नेट, कर दिया है अपलोड, और शोल्डर में बहुत दर्द हो रहा है और सर में भी दर्द हो रहा है। अब हम घर जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे, हम मालिश करते करते मेरे घुटने में दर्द हो रहा है। चलो फिर जोर से गिरे ब्रो, अब चलते हैं आगे, कुछ दिख नहीं रहा है। ओके।